गुजरात विधानसभा में आज उस समय हंगामा मच गया जब सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सदस्यों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना के चलते कांग्रेस के एक विधायक को बजट सत्र की पूरी अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस सदस्यों ने भाजपा के विधायक जगदीश पांचाल पर माइक्रोफोन की छड़ से हमला किया और उन्हें मुक्का भी मारा। कांग्रेस के विधायक प्रताप दूधत ने बीजेपी विधायक जगदीश पांचाल की बेल्ट से पिटाई भी कर दी। इसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने विपक्षी पार्टी के अमरीश देर के साथ मारपीट की। हंगामा उस समय शुरू हुआ जब अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कांग्रेस के सदस्य विक्रम मदाम को प्रश्नकाल के बाद एक मुद्दे पर चर्चा करने के दौरान अपनी बात रखने से रोक दिया। हालांकि मदाम ने अपनी बात रखने पर जोर दिया। ठीक इसी समय देर ने अध्यक्ष से मदाम को अपनी बात रखने की अनुमति देने को कहा। अध्यक्ष ने उनके बात करने के लहजे पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मदाम और देर विरोध स्वरूप अध्यक्ष के आसन के पास आ गए। त्रिवेदी ने इसके बाद कांग्रेस के दोनों विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया और उन दोनों को मार्शल विधानसभा के बाहर ले। इसके बाद गुस्साए कांग्रेस के विधायक प्रताप दूधत ने भाजपा के विधायक जगदीश पांचाल पर माइक्रोफोन की छड़ से हमला कर दिया। दूधत को पांचाल की इस बात पर गुस्सा आया था कि वह कांग्रेस के विधायकों को अध्यक्ष के बोलने के दौरान चुप रहने की सलाह दे रहे थे। पांचाल पर हमले के बाद अध्यक्ष ने दूधत को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इसी दौरान देर ने सदन के पिछले दरवाजे से आकर पांचाल पर हमला कर दिया। इसके बाद मार्शलों को बुलाया गया और स्थिति पर काबू पाया गया। ऐसे ही और ताज़ा जानकारी के लिए